नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम इस वक्त बात कर रहे हैं न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में। इसके पूर्व में उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में दो लेक्चर और इसके पूर्व में उच्च न्यायालय के संदर्भ में एक लेक्चर लिया जा चुका है, जिससे भारत की न्याय व्यवस्था के संदर्भ में काफ़ी कुछ जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो चुकी होगी। और आज हम इसी क्रम में सबसे निचले स्तर पर जो अधीनस्थ न्यायालय के रूप में व्यवस्था की गई है भारत में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यद्यपि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, किंतु अन्य संघीय देशों की तरह से भारत में दोहरी न्यायपालिका के बजाय इकहरी न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर शीर्ष पे उच्चतम न्यायालय, प्रांतीय स्तर पर शीर्ष में देखा जाए तो उच्च न्यायालय और जिला और अन्य निम्न स्तरीय न्यायालयों को मिलाकर अधीनस्थ न्यायालय के रूप में कहा जाता है। तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ये अधीनस्थ न्यायालय होता है, अधीनस्थ न्यायालय होता है, ये उच्च न्यायालय है और ये उच्चतम न्यायालय है। तो इस तरीके से शीर्ष पर हमारे यहां उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है, प्रांतों में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय जो है वो निचले स्तर पर है। तो इसकी परिभाषा के रूप में अगर हम देखना चाहें तो यह है कि उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन और नियंत्रण में जिले के न्यायालय यानी कि जिला न्यायालय और अन्य निम्न स्तरीय न्यायालय को मिलाकर अधीनस्थ न्यायालय के रूप में जाना जाता है। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 से लेकर 237 के बीच में किया गया है। तो अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत जो जनपद के न्यायालय आते हैं, जिला न्यायालय दीवानी के रूप में अगर देखा जाए तो, और फौजदारी के रूप में देखा जाए तो सत्र न्यायालय जो है आता है। इसी तरीके से इसके हायरार्की है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आती है और इन सभी को मिला करके अधीनस्थ न्यायालय के रूप में भारत में न्यायालय की व्यवस्था का गठन किया गया है। हम वर्गीकरण पर आते हैं। जनपद न्यायालय और सत्र न्यायालय, जनपद न्यायालय और सत्र न्यायालय दो न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं। यहां पर जिला न्यायाधीश होता है और यहां पर सत्र न्यायाधीश होते हैं, सत्र न्यायाधीश होते हैं। जब दीवानी से संबंधित मुकदमों की सुनवाई होती है तो वह जिला न्यायालय या जनपद न्यायालय के अंतर्गत होता है और जिले के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनको जिला न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब फौजदारी या आपराधिक किस्म के मामलों की सुनवाई होती है तो उस न्यायालय को यहाँ पर सत्र न्यायालय के रूप में जाना जाता है, सत्र न्यायालय को जाना जाता है और वहाँ न्यायाधीश को सत्र न्यायाधीश कहा जाता है या इसे सेशन कोर्ट भी कहा जाता है और इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी भी नीचे हायरार्की होती है, अधीनस्थ न्यायाधीश यहाँ पर होते हैं। अधीनस्थ न्यायाधीश का तात्पर्य यही होगा कि वो जिला न्यायाधीश से नीचे कार्य करते हैं और उसके नीचे जो है मुंसफ न्यायाधीश होते हैं, मुंसफ न्यायाधीश, मुंसफ न्यायाधीश होते हैं, जिसे पीसीएस जे की परीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सिविल जज जूनियर डिवीजन के नाम से परीक्षाओं के माध्यम से चयन करता है और इसकी सिफारिश राज्यपाल से करता है कि वो इनकी नियुक्ति इस रूप में करे। इसी तरीके से यहाँ पर सत्र न्यायाधीश के नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं और इसके नीचे जो है न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं। न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं, ये हायरार्की है। जनपद में दीवानी मुकदमों के लिए दीवानी के लिए है और ये जो है फौजदारी के लिए है, ये फौजदारी मामले की जो सुनवाई करने से संबंधित न्यायालयों के ये नाम दिए गए हैं। ये अधीनस्थ न्यायालय की एक हायरार्की है दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के संदर्भ में। अब जिले का जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है उसे जिला न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। ये वर्गीकरण हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि अधीनस्थ न्यायालय किस तरीके से फौजदारी और दीवानी मामलों की सुनवाई करने के लिए अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और उनके नीचे की क्या हायरार्किकल व्यवस्थाएं हैं न्यायाधीशों के। जिले के सबसे बड़े जो न्यायाधीश होते हैं वो जिला न्यायाधीश होते हैं। इन्हें फौजदारी और दीवानी दोनों ही प्रकार के मामलों की प्रारंभिक और अपीलीय सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। जब यही जिला न्यायाधीश जो है दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं तो इन्हें डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में जाना जाता है या इन्हें ही जो है जिलाधीश के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब ये फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं या आपराधिक किस्म के मामलों की सुनवाई करते हैं तो इन्हें जो है सत्र न्यायाधीश कहा जाता है, सत्र न्यायाधीश इन्हें कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिले पर एक ही डिस्ट्रिक्ट जज या जिला न्यायाधीश होते हैं जो फौजदारी और दीवानी दोनों ही प्रकार के मामलों की सुनवाई करते हैं, यद्यपि उनकी सुनवाई करने के दौरान उनका नाम अलग अलग दिया गया है। दीवानी मामलों की सुनवाई जब करते हैं तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज और फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं उन्हें सत्र न्यायाधीश या सेशन कोर्ट के अंतर्गत जो है सेशन जज के रूप में सत्र न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। तो ये एक उनकी भूमिका है। और दूसरी उनकी भूमिका जो है पर्यवेक्षण के रूप में है, यानी कि जिला न्यायाधीश जनपद में अगर देखा जाए तो जिला न्यायाधीश जो है वो न्यायिक के साथ साथ दूसरा जो है वो प्रशासनिक, न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों ही प्रकार की भूमिका अदा करता है। न्यायिक रूप में जब वो भूमिका अदा करते हैं या न्यायिक रूप में उनकी जब भूमिका देखी जाती है तो यह विभिन्न प्रकार के दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई और उनके निस्तारण से संबंधित होती है। इस संदर्भ में वो अपने निचली अदालतों के द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील भी सुनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रशासनिक किस्म के मामले होते हैं, इसके अंतर्गत वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण निगरानी इत्यादि का कार्य करते हैं और वहां पर एक न्यायिक जो है संस्कृत को विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दूसरी तरफ हम सत्र न्यायाधीश के संदर्भ में देखते हैं तो यहाँ पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को ही सीजेएम कोर्ट कहा जाता है, जिसे व्यवहार में हम लोग सुनते हैं कि सीजेएम कोर्ट। तो यही जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं जिनके यहाँ आपराधिक किस्म के जो है मामले की जो है सुनवाई की जाती है। यहाँ एक बात ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि सत्र न्यायालय के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश के द्वारा विभिन्न प्रकार के मुकदमों की सुनवाई के दौरान मृत्युदंड की भी सजा दी जा सकती है, परंतु यहाँ पर यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि मृत्युदंड यदि दिया जाता है तो उसे हाई कोर्ट से उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। इसी तरीके से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी 7 वर्ष तक यानी कि सीजेएम के द्वारा 7 वर्ष तक और इसी तरीके से न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा 3 वर्ष तक की जो है सजा की सुनवाई की जा सकती है। इसके खिलाफ जो है अपील भी जो है अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है होता है और यदि यहाँ से मृत्युदंड की जो है सजा दी जाती है
तो इस मृत्युदंड के खिलाफ जो है हाई कोर्ट से उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। सीजेएम के द्वारा 7 वर्ष और जेएम के द्वारा 3 वर्ष तक की सजा की सुनवाई, सजा जो है ये दंड दिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के इस व्यवस्था के अंतर्गत आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने अधीनस्थ न्यायालय, उसका अधीनस्थ न्यायालय का वर्गीकरण, जिला न्यायाधीश की किस रूप में जो है भूमिका है इसको देखने का प्रयास किया। परिभाषाओं के अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा कि जिला न्यायालय एवं उसके निम्न स्तरीय न्यायालय के जो समूह को अधीनस्थ न्यायालय के रूप में जाना जाता है, जिसकी व्यवस्था अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 के बीच में किया गया है। 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, जो कि राज्यपाल के द्वारा उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर के किया जाता है। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत अन्य न्यायाधीशों, जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जो कि राज्यपाल के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उस राज्य के लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाता है, और लोक सेवा आयोग ही इनकी नियुक्ति के लिए पीसीएसजे की परीक्षा का आयोजन करता है। 34 के अंतर्गत ये व्यवस्था किया गया है, और 35 के अंतर्गत ये व्यवस्था किया गया है कि वहां पे नियम और उनके संचालन इत्यादि की प्रक्रिया का जो है जो निर्धारण होगा, नियम जो बनाया जाएगा वो उच्च न्यायालय के माध्यम से बनाया जाता है। वर्गीकरण के अंतर्गत दीवानी और फौजदारी आधार पर जनपद न्यायालय या जिला न्यायालय दीवानी मामलों की और फौजदारी मामलों की सत्र न्यायालय की व्यवस्था किया गया है, जो कि हायरार्की में जिला न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायाधीश और मुंसफ न्यायाधीश सिविल जज जूनियर डिवीजन के रूप में काम करते हैं। सिविल के सत्र न्यायाधीश मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में काम करते हैं। जिला न्यायाधीश दो प्रकार से जो है भूमिका अदा करता है, दीवानी मामलों की भी सुनवाई करते हैं और जो है दूसरी तरफ जो है इनके द्वारा फौजदारी मामलों की भी सुनवाई किया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं यहाँ पर जिला न्यायाधीश, और फौजदारी मामलों की सुनवाई करने में सत्र न्यायाधीश के रूप में करते हैं, और दूसरी प्रशासनिक भूमिका भी इनकी होती है, और इस प्रशासनिक भूमिका के कारण ही जो है इनकी जो न्याय व्यवस्था में रोल है वो दोहरी हो जाती है। एक न्यायिक के रूप में जो है मुकदमों की सुनवाई करते हैं, अपील सुनते हैं, और दूसरा निरीक्षण और निगरानी के संदर्भ में इनकी प्रशासनिक भूमिका भी रेखांकित होती है। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर के बाद हम लोगों ने भारत की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में जो भी हायरार्की और श्रेणीक्रम व्यवस्था है उसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के इस टॉपिक को पूरा किया। उम्मीद करता हूँ कि इसके माध्यम से आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। पुनः अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी आप एक सही दिशा में जो है करते रहिए, और अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं उसी के अनुसार आप काम करने का जो है प्रयास करते हैं, और यदि सोचकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति और कोई भी बाधाएँ आपको लक्ष्य तक पहुँचने में बाधा नहीं डाल सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।